एक बात बताइए, जब आप किसी खास किस्म की फाइल को किसी खास किस्म की ऐप में खोलना चाहें और वो उस ऐप में ना खुलकर किसी और ऐप में खोले, तब आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए फोटो वाली फाइल है जिसे गैलरी में खोलना चाहिए और वो खुल रही है किसी वीडियो एडिटर में, तब आप क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं। परेशान होंगे, करेंगे तो तब जब फाइल खुलेगी। दोस्तों, हमारे मोबाइल में बहुत सारी फाइल्स होती हैं और हर फाइल अलग अलग तरह की होती है, जैसे म्यूजिक फाइल्स या जिन्हें हम MP3 फाइल्स भी कहते हैं, या फिर हमारे कैमरे से ली हुई फोटो फाइल्स, या इंटरनेट से डाउनलोड की हुई JPG फाइल्स या PNG फाइल्स। ठीक है, ये एक तरह की हो गई। हमारे कैमरे से बनाई हुई वीडियो फाइल्स जिन्हें हम MP4 फाइल्स भी कहते हैं, या इंटरनेट से डाउनलोड की हुई वीडियो फाइल्स, ये भी एक ही तरह के होते हैं। यहाँ तक ठीक है, आपको समझ में आया। लेकिन क्या होता है जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और ये आपको ये बोलता है कि इस फाइल को आप किस ऐप में खोलना चाहते हो। तो मान लीजिए कि आपकी जो इमेज फाइल है, यानी कि जो फोटो फाइल है, उसे आपने InShot में, जो कि एक वीडियो एडिटर है, उसने खोलना स्टार्ट कर दिया, तो कैसे आप इसे चेंज कर सकते हैं? कैसे आप एक फोटो फाइल को गैलरी में ही खोल सकते हैं, इसको वीडियो एडिटर में खोलने से कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी होगी, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, फोटो वाली फाइल यदि वीडियो एडिटर में खोलने लग जाए तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मित्रों, यहाँ मेरी और मेरी वाइफ की एक फाइल है, इस पर हम टच करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये सारी ऐप्स दिखा रहा है जिनमें मैं इस फोटो फाइल को ओपन कर सकता हूँ, और यहाँ नीचे दिया जस्ट वंस और ऑलवेज। अभी ये गैलरी पर है और मैं जस्ट वंस करूँगा तो ये गैलरी में एक बार ओपन होगी। ठीक है, यदि मैं ऑलवेज कर दूंगा तो ये हर बार गैलरी में ओपन होगी। लेकिन क्योंकि एक फ़ोटो फाइल है और गैलरी में मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए यदि मैंने इसको InShot कर दिया और जस्ट वंस की जगह गलती से मुझसे ऑलवेज दब गया, तब क्या होगा? अब ये फ़ोटो और बाकी जितनी भी फ़ोटो हैं वो हर बार InShot में ओपन होगी और इसमें मेरा टाइम ख़राब होगा। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। देखिए, ये फाइल अब InShot में ओपन हो रही है। अब मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। हर बार आपको इसको डिस्कार्ड करना होगा या फिर ड्राफ्ट में सेव करना होगा, तब आप इससे बाहर निकल पाएंगे। इस तरह से आपका टाइम खराब होगा। ठीक है, देखिए, अब मैं जिस भी फाइल को टच करूंगा वो हर बार इसी में ओपन होगी। देखिए, हर फाइल InShot में ही ओपन हो रही है। ठीक है, इसे मैं करता हूं बैक, फिर से मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अब हम इस चीज को चेंज करेंगे कि ये फाइल गैलरी में ही खुले, InShot में ना खुले। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आइएगा, इसके बाद आपको जाना होगा ऐप्स में, या ऐप मैनेजर होगा आपके फोन में, आप सर्च कर लीजिएगा। देखिए मित्रों, ऐप्स ओपन हो गई हैं। इसके बाद हमको जाना होगा InShot में। InShot को हम सर्च करते हैं। InShot को मैं दबाता हूं, इसके बाद नीचे आइएगा, यहां पर आपको जाना है सेट एज डिफॉल्ट पर, इसे हम दबाते हैं। इसके बाद मित्रों आपको करना होगा क्लियर डिफॉल्ट्स। जैसे ही हम क्लियर डिफॉल्ट्स कर देंगे, अब ये ऐप जो है फोटो को ओपन करना बंद कर देगी। देखिए, मैं आपको फिर से फोटो ओपन करके दिखाता हूं, इसे हम दबाते हैं। देखिए, ये ऑप्शन वापस आना स्टार्ट हो गया है। अब आप यहां से किसी भी ऐप जिसमें आप फोटो को ओपन करना चाहते हैं तो यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब गैलरी में है, गैलरी में मैं ऑलवेज कर देता हूं, तो हर बार अब ये फोटो गैलरी में ही ओपन होगी। देखिए मित्रों, अब ये फोटो गैलरी में ओपन हो रही है, InShot में ओपन नहीं हो रही है। इस तरीके से आप भी यदि किसी फाइल को गलत ऐप में ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लियर डिफॉल्ट करके चेंज कर सकते हैं। एंड्रॉयड की और भी यूजफुल सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हो तो इन सारे वीडियोज की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज वहां से जरूर चेक कर लीजिएगा। मुझसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल में दी
वॉल्यूम कीज काम करना बंद कर दें तो आप वॉल्यूम कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके लिए ये वाला वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही यूजफुल वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।